आप सभी को इस दोपहर का शुभाशय देता हूँ। तो आज हम चलते हैं एक अध्ययन करके पाठ पर। सबसे पहले कोई भी पाठ अगर हम लेते हैं किसी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं विषय को लेकर, तो उसके बारे में हमें हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मेरा हिंदी क्लास है तो इसलिए हिंदी में कह रहा हूँ। आपको थोड़े से आसानी से सवाल करेंगे, उसके आसानी से जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल मैं जब छोटा था, आप जब छोटे थे, जब हमारा बचपन था, तो हम अपने बड़ों से छोटे छोटे कहानियों को सुने हैं। एक ऐसी कहानियां सुनते हैं जिसको हम जिंदगी भर याद रखते हैं। जब कोई विषयाधारित अगर सब्जेक्ट लेके बात करेंगे तो उसके तहत भी हमारे लिए कुछ कहानियां मिलती हैं, जैसे कि रामायण। रामायण के बारे में मैं भी जब बचपन में था, आप भी बचपन में थे, तब सारे लोग छोटे थे, अपने बड़ों से हमने इस कहानी को सुना है। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, इसके बारे में बहुत सारे जानकारियां लिए हैं। तो मैं इसी के जरिए मैं कुछ सवाल आपको करूंगा। इसके सवाल आसान है और उसके जवाब भी आसान है, आपको आसान से जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन ये है, जिस जिसको भी उत्तर पता है वो आराम के साथ हाथ उठाए और मैं बोल के सारे लोग मिलकर एक साथ आवाज ना करें, क्योंकि अगर एक एक हाथ उठा के जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छे अंदाज में आंसर भी मिलेगा और उसका सवाल का मतलब भी मिल जाएगा। तो समझ रहे ना मेरी बात, आपको समझ में आ रही है ना? कुछ लोगों को दिक्कत होगी लेकिन इसका समझना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, रामायण किसने लिखा है? जिसको मालूम है वो बहुत अच्छा हाथ उठाए, ताकि लास्ट में पढ़ रहे हैं तो अच्छा जानकारी मिले। तो बताओ हाथ उठाओ, किसको मालूम है? इतना नहीं उठाएगा, आशीर्वाद देने का नहीं है किसी को, बल्कि अच्छे से हाथ उठाए ताकि मुझे पता चले इनको आंसर पता है, किस विद्यार्थी को आंसर पता नहीं है। तो बताओ रामायण किसने लिखा? आपको थोड़ा कन्नड़ में ट्रांसलेट कर दूं, चलेगा आपको? रामायण करता हूं याद, अभी हाथ उठाओ ना जल्दी। आसान सवाल है, आसानी से जवाब देना पड़ेगा। सलीम सर आप बताएंगे रामायण को पूरा नाम बताएंगे आप? वाल्मीकि बोले और थोड़ा भी चुका हुआ उसको पूरा करने के बाद रामायण किस तरह का बताइए, सही है जवाब? रामायण को वाल्मीकि महर्षि ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इसी के तहत चलो मैं इसी के अंदर थोड़े थोड़े आसान सवाल करूंगा। दशरथ हमें पता है, फिर हमारा दोस्त दशरथ नहीं बल्कि रामायण के अंदर इस चीजों के अंदर कहानियों के अंदर आने वाला दशरथ। दशरथ के कितने बच्चे थे? दशरथन के यश जन मकड़े दल, चलो आगे का होना जल्दी। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। एक क्लास के अंदर अगर हम सब एक दूसरे को बात करते हैं, अध्ययन करेंगे, तो उस विषय के बारे में जानकारी बहुत मिलेगी। बताइए आपको पता है दशरथ को कितने बच्चे हैं? हाँ बोलिए, कितने? पांच। ठीक है बेटी, और कोई बताने वाला है? रिया रिजन से बताएंगे आप, बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आपको ये उत्तर सही लगा? सही लगा ना? चलो, दशरथ को कितने बच्चे थे? चार बच्चे थे, पांच नहीं, आपने एक ज्यादा कर दिया। दशरथ को चार बच्चे थे। अच्छा, दशरथ क्या नाम भी बोल दिया आप, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं इसी के चलते हुए आगे का एक सवाल करूंगा, बहुत आसान सवाल, जो कि राम के बारे में हमें सब माहिती है, उसके विषय सब कुछ पता है। तो राम की पत्नी का नाम क्या था? समझिए, क्लास में कंसंट्रेट करिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आप अगर दूसरे जगह देखेंगे तो मेरा कंसंट्रेट चला जाएगा। इसके लिए आप मुझे देखते रहिए ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। चलिए बताइए बसमा जी कौन है, हाँ बताइए ना, राम की पत्नी का नाम क्या है? राम ना एंड दिया है सर, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं, बताइए। इनका आंसर, इनका उत्तर किसको सही लगा? सही लगा ना? आप बात करना है सर, सही है सर, बोलिए तो सही है ना? ठीक है बैठिए। तो इसी के चलते राम की पत्नी का नाम था सीता देवी। अच्छा, जब राम सीता को अपहरण करने वाला वो कौन था? जंगल के अंदर सीता को अपहरण करने वाला शख्स कौन था?
ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಕೈ ಮೇಲತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಚಂದನ್ ಅವ್ರೆ? ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದವರು ರಾವಣ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದವರು ರಾವಣ. ಸೀತಾಕು ಅಪಹರಣ ಕರೆವಾಲ ಹೋಗುವಂತ ಓ ರಾವಣ. तो चलिए ये मालूम हो गया हमें राम के पत्नी का नाम, दशरथ के कितने बच्चे थे, दशरथ के बच्चों का नाम क्या है, रामायण किसने लिखा, ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब हमें सबको पता है. और इसी के चलते हुए अभी सीता को अपहरण करने वाला कौन था? रावण था. तो सीता को अपहरण करने के बाद जब राम और लक्ष्मण एक जंगल से जा रहे थे, जंगल में जाते वक्त एक बुढ़िया थी जो इंतजार कर रही थी राम का. बुढ़िया राम का इंतजार कर रही थी इसलिए कि मैं राम को खिदमत करूं, मैं उनकी सेवा करूं. सेवा मनस्थिति उनके दिल में थी इसलिए वो इंतजार में थी. मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं जो कि ये आपको पता है राम और लक्ष्मण जब सीता को ढूंढने जा रहे थे तो कौन सी बुढ़िया उनके इंतजार में थी, वो बुढ़िया का नाम क्या है बोलिए. वो बुढ़िया का नाम क्या है? शबरी. जो कि एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको ताकि मालूम हो जाए, मोबाइल के अंदर छोटा सा नजर आ जाएगा लेकिन राम और लक्ष्मण भी है और साथ में वो शबरी भी है. तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर इस दुनिया में आज के माहौल में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसके तहत इसका पहला अंश क्या है और ये शबरी कहां से आए और शबरी कौन से आश्रम में जिया करती थी, इनके बारे में अगर पूरी जानकारी लेना जरूरी है तो आज हम अध्ययन करेंगे शबरी के बारे में.